आज फिर हम लोग सुबह उठ गए हैं और जा रहे हैं वहीं पार्क में, थोड़ा बहुत टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। वहीं पर पार्क में मंदिर भी है जो कि मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो में, वहीं जा रहे हैं। सुबह एकदम खाली, पूरी कॉलोनी में सन्नाटा। देखो हम लोग आ चुके हैं पार्क में, मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, विट्ठल मंदिर है और दत्त भगवान जी का मंदिर है, और यहाँ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रोज की तरह ही एक्सरसाइज हो गई और थोड़ा यहीं पर ही पार्क में हम लोगों ने वॉक कर लिया। अब जा रहे हैं घर। और घर आने के बाद सबसे पहला काम यही हुआ है कि कूलर लगाना था हॉल में। तो हमारे जो दो कूलर हैं वो हमने रखे हुए थे एक बालकनी में, जो हमारा बेडरूम के बाहर बालकनी है वहां पर कॉर्नर पे, तो दोनों कूलर निकाले। तो एक अभी हॉल में लगाया गया है, तो वही सुबह एक काम था, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले ये था कि पहले कूलर सेट हो जाए फिर झाड़ू पोछा लग जाएगा। तो कूलर लगाया गुप्ता जी ने, हेल्प करी शुभम ने और मैंने थोड़ा बहुत पकड़ाया, वैसे शुभम था तो फिर जरूरत नहीं थी। और कूलर लग गया है, झाड़ू मैंने लगा दी है क्योंकि धूल काफी हो जाती है ना, पूरा सोफे के नीचे कचरा वचरा हो गया था, और कूलर भी साफ किया दूसरी बालकनी में। तो अब शुभम लगा रहा है पोछा, शुभम कभी लगाता है कभी शुभी लगाती है, ऐसे ही आपस में एक दूसरे को लगा लेते हैं, कभी कभी मैं ही लगा देती हूँ। और बस पोछा ये है कि एक बार पोछा सुबह लग गया, थोड़ी बहुत धूल जैसे सुबह वाली रहती है, और पोछा ये मॉप से लगाते हैं बच्चे भी और हम भी, तो दोपहर में भी लगा लेते हैं एक बार, गर्मी के दिन है ना, अब धूल बहुत आती है जैसे दरवाजा खिड़की खुले रहे, तो दोपहर में भी एक बार पोछा लग जाता है, फिर शाम तक घर अच्छा रहता है हमेशा। कूलर सेट हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और फिलहाल तो अभी सही है, बस सही चलता रहे गर्मी भर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज है ट्यूसडे, शाम के 5 बज रहे हैं, गर्मी तो भयानक है लेकिन फिर भी इस गर्मी में भी अभिलाषा ने अपने लिए चाय बनाई है, और चाय पी करके मैं कहीं बाहर जाने वाली हूँ, आ जाऊंगी वापस जल्दी, और जब वापस आऊंगी तब मैं क्या बनाऊंगी, प्लानिंग हमारी कुछ और है, अब वही चीज बनती है कि नहीं वो तो वापस आने के बाद बनाने के बाद पता चलेगा। शोर ट्यूशन जा चुका है, गुप्ता जी भी ड्यूटी से आए नहीं है, शुभी घर पर है, पापा आएंगे तो, और कोशिश तो हमारी यही कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड है, उनके साथ ही जा रही हूँ, एक जगह जाना है, वहां जाते आने के बाद बताती हूँ कि क्या क्या काम था जिसमें गए हम। चाय पी ली जाए, कूलर लग गया है तो दोपहर में थोड़ा आराम था, ठंडा था मौसम यहाँ कमरे में, और ये 5 बज रहे हैं, मैं चाय पी के निकल रही हूँ। तो मैं और आशा आई हुई हैं, आशा को तो आप लोग जानते हैं ना, मेरी फ्रेंड, तो यहाँ पर ये मैं पहली बार आई हूँ, आशा बताएगी कि क्या सखी मंच का प्रोग्राम है ये, मतलब लोकमत न्यूज़पेपर आता है यहाँ का, तो सखी मंच है वो लोग यहाँ पे महिलाओं का एक लेडीज का एक प्रोग्राम रखते हैं, लास्ट ईयर में लोग बता रहे थे, जिसमें कि प्राइज भी मिलता है, गिफ्ट भी मिलता है, कुछ इसका होगा कि अमाउंट देना होता है उसमें ज्वाइन होने के लिए मिनिमम चार्ज, लेकिन जितना भी चार्ज देते हैं उतना ही सबको मिल जाता है अपना गिफ्ट, तो लेडीज खुश हो जाती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि एक इनको ग्रुप में सबको साथ में एक प्रोग्राम एंजॉय करने को मिलता है, चांस मिलता है, और डांस वगैरह भी होगा, तो वो एक दिन प्रोग्राम होगा उसमें मैं आऊंगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और आज फिलहाल हम लोग का फोटोशूट होने वाला है, कितने मेंबर्स हैं ये सारी लेडीज है, ये रेखा ताई है आशा की सिस्टर। हेलो, हाँ मतलब फोटो काढून दे लेडीज आलेल्या आहेत, 5 मिनिट प्लीज। हाँ
होगी, ग्रुप फोटो शूट होगा और देखो सबने रेड कलर साड़ी पहनी है। जो थीम है वो रेड कलर है। साड़ी पहननी थी लेकिन मैंने ड्रेस पहन लिया क्योंकि वापस जाके मुझे अभी शूट करना है ना घर जा करके, तो इसलिए कंफर्टेबल रहेगा तो मैं ड्रेस पहन करके आ गई हूँ। आशा ने मुझे एकदम शाम को ही फोन किया, मैं लेटी हुई थी। लोगों ने अपने गिफ्ट ले लिए हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं। स्कूटी से आए थे मैं और आशा, साड़ी पहन करके आशा पीछे साथ में डबल सीट, और एक हताई को देखो, ये इनकी कॉलोनी है पूरी। सब ऐसे आसपास घर बने हुए, कौन सी कॉलोनी है ये? वीडियो देखा, ये कौन सी कॉलोनी है? ये अष्टविनायक कॉलोनी है। देखो एकदम ऐसे पास पास घर है लेकिन एकदम साफ सुथरी है। रोड देखो कितनी बढ़िया है, नई कॉलोनी बनी हुई है ना, मकान भी सब अच्छे बने हुए हैं। ये रेखा ताई का घर। अभी हम लोग अंदर ही बैठे थे, शादी की फोटो वगैरह देख रहे थे सब। इनके बेटे की शादी हुई ना अभी, ये घर। अब बज रहे हैं 6:30 और मैं वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पर बच्चों ने दूध लिया है और चाय तो पी करके गई थी मैं, खैर है ना। तो बस अब आगे का काम होंगे। तो मैं पता क्या बना रही हूँ आज, गर्मा गर्म कचौरियाँ और दही बड़े खाए जाएंगे आज, जिसके लिए मैंने हरी चटनी बनाने के लिए पुदीना धनिया पत्ता हरी मिर्ची वगैरह सब मंगवा ली है। तो मैं बनाऊंगी हरी चटनी और इमली खजूर की चटनी हमारे पास रखी हुई है। तो हम लोग खाएंगे वड़े, वो भी इंस्टेंट वड़े बनाऊंगी। तो इंस्टेंट वड़े, जब भी कभी मेरे ही तरह शाम को कुछ खाने का मन करे खट्टा तीखा चटपटा, तो आप ये दही वड़े बना सकते हैं। ये किड्स के दही वड़े हैं। और कोई भी ऐसा आपको पार्टी करनी है, अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपने पहले से दाल वगैरह नहीं भिगो के रखी है, तो ये इंस्टेंट दही वड़े बन जाते हैं। और इमली खजूर की चटनी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है ना, वैसे आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। गिट्स के दही वड़े बनाना आसान भी है और खाने में बहुत टेस्टी है। और इसकी परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये आपके शहर के हर जो भी मतलब शॉप होती है ना, ग्रोसरी शॉप, वहां पे मिल सकता है, सुपरमार्केट में भी मिलता है, लेकिन आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैंने पुदीना इसलिए मंगाया क्योंकि चटनी में थोड़ा सा भी पुदीना डालो ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और चटनी हमें चाहिए दही वड़े के लिए भी हरी चटनी और साथ में कचौरियों के साथ। आज जो मैं कचौरियां बनाऊंगी साथ में, वो भी बंगाली कचौरी हैं और चटनी के साथ अच्छी लगती हैं। तो ये सब मैंने धो के साफ करके रखा है। अभी लिया है अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, 4-6 हरी मिर्ची हैं और पुदीने के पत्ते साफ करके। अभी अभी मैंने सब साफ कर लिया है, 2-3 पानी में अच्छे से धो लिया है, बाकी जो है उसको साइड में रख दिया डलिया में। और ग्राइंडर जार में डाल करके अदरक, हरी मिर्ची और पुदीना, ये सारी चीजें मिक्स किया। इसमें मैं डाल रही हूं भुने जीरे का पाउडर और पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट डालने के बाद ये जो जीरा पाउडर है, इसका मैंने शेयर किया था रेसिपी, इसमें सौंफ भी मिक्स है और हींग भी मिक्स है। ये सौंफ और जीरे और हींग वाला जो पाउडर है, ये चटनी में मैं जरूर डालती हूँ, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। उसी समय फिर अलग से जीरे भूनो पीसो, झंझट रहती है, तो मैं पीस के रखती हूँ। और ये हमने पीस लिया है, चटनी हमारी हरी चटनी तैयार हो गई। इसमें मैंने और कोई दूसरी चीजें नहीं मिक्स की हैं, सिर्फ धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची। और अब मैं डाल रही हूँ नींबू, तो एक छोटा नींबू था इसलिए पूरा नींबू निचोड़ दिया है, जिससे हल्का सा खट्टापन आएगा। और दूसरी बात कि जब भी हम नींबू डालते हैं तो हरी चटनी का कलर भी, आप देख रहे हो जहां नींबू गिरा है तो अच्छा सा ग्रीन है ना, तो कलर बहुत सुंदर हो जाता है ग्रीन चटनी का। ये चटनी हमारी तैयार हो गई। ये चाट की बहुत सारी रेसिपीज में आप यूज कर सकते हो, टिक्की में भी डाल सकते हो। और ये है इमली खजूर की चटनी, जो कि मैंने बनाई थी और रेसिपी भी शेयर की थी। तो सोचो जब वीडियो बनाया था तब वो शेयर किया था, तब से अब तक फ्रिज में रखा हुआ है। मैं इसी तरीके से ग्लास जार में टाइट पैक करके फर्स्ट रैक जो है फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीजर में नहीं पर फर्स्ट रैक में रखती हूँ, वहां मतलब काफी ठंडा रहता है। और ये वहीं पर रखा, जितना मुझे जरूरत है उतना मैंने निकाल लिया। निकालने के तुरंत बाद अभी मैंने ले लिया अपने यूज के लिए, और बाकी का जो जार में है उसे हम फ्रिज में उसी वक्त रख देते हैं, बाहर नहीं रहने देते हैं। इसे मैंने एक कटोरी में निकाल के रख लिया चटनी। और अब ये है दही वड़ा।
मिक्स दही वड़ा मिक्स गिट्स का, ये जो पैकेट है इसे हम 25 दही वड़े एक साथ बना सकते हैं। और इस पैकेट को सबसे पहले हम किसी भी बर्तन में लेंगे और इसे हम भिगो के रखेंगे। 1.5 कप पानी में इस मिक्स को भिगोना है। इस पैकेट में 25 दही वड़े बनते हैं और ये 100 रुपए का है पैकेट। किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी और कलर्स यूज नहीं किए गए हैं इसमें। और ये 200 ग्राम का पैकेट भी है और इसमें 500 ग्राम का पैकेट भी मिलता है। जैसे आपको ज्यादा बनाने हैं तो आप 500 ग्राम का पैकेट भी ले सकते हैं। ये 200 ग्राम का पैकेट है और ये मैंने पूरा पैकेट इस तरीके से 1.5 कप पानी में घोल के ढक करके 10 मिनट के लिए, अब मिक्स को तो हमने घोल के रखा है, अब मैं ले रही हूँ दही, जो कि मैंने कल दही जमाई थी और हमारे इरादे कल से ही थे कि हम दही वड़े खाएंगे। एकदम ताजी दही है, कल ये दही जम गई थी और फ्रिज में भी रखी थी, बिल्कुल ठंडी और फ्रेश दही। तो मैंने करीब 250 ग्राम जितनी दही ली है, क्योंकि ये भगोने में आधा लीटर से ज्यादा ही दूध था जो मैंने दही जमाया था, आधी दही ले ली है मैंने। इसमें पिसी हुई चीनी डाली है जिससे दही में जल्दी से मिक्स हो जाएगी, पिसी हुई चीनी, शुगर पाउडर और चीनी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। क्योंकि अभी मैंने फ्रिज से निकाली है तो ठंडी दही है, तो अभी फिलहाल हमें तुरंत ही खाना है, तो अभी फिलहाल इस बर्तन को हम बाहर रखेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि आप सब तैयारी करके रखते हैं और कुछ घंटे बाद आप दही बड़े सर्व करने वाले हैं, तो आप दही चीनी मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख दो, ताकि खट्टापन नहीं आए दही में। जितनी ताजी और फ्रेश दही होगी दही बड़े खाने में उतने ही। और केवल दही वड़े से भी काम नहीं होगा, तो आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट कचौरी। कचौरी की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इंस्टेंट कचौरी मैं आज बनाने वाली हूँ गिट्स की बंगाली कचौरी। बहुत टेस्टी होती है, बनाना भी बहुत इजी होता है, इसके सारे स्टेप्स भी लिखे होते हैं गिट्स की इंस्टेंट कचौरी। अगर आपको मार्केट की कचौरियां नहीं खानी है, घर पर ही फ्राई करना है, कोई गेस्ट आ जाते हैं या बर्थडे पार्टी कुछ भी आप सेलिब्रेशन में भी बना सकते हैं। और इस कचौरी की परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। और वैसे तो आपको आपके शहर के हर शॉप में, जो भी जहां पर ये ग्रोसरी आप खरीदते होंगे, वहां जरूर मिलते हैं गिट्स के सारे प्रोडक्ट। तो कचौरी के लिए सबसे पहले मैं डो तैयार कर रही हूँ। कचौरी बनाने में भी बहुत ही ईजी तरीका है और ये सिर्फ 4 स्टेप्स में ही कचौरी बन जाती है। ये मैंने 1 कप लिया है मैदा और 1 कप डालूंगी मैं गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से भी, केवल गेहूं के आटे से भी आप कचौरियां बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं, पर मैंने दोनों ही आटा मिक्स किया है, ये ऑप्शनल है। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है 1/2 चम्मच के करीब और नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और साथ में करीब 4 से 5 चम्मच जितना ऑयल, यानी कि 2 कप है हमारे पास जो भी आटा और मैदा मिक्स करके एक एक लिया है मैंने बराबर का रेशियो, और इसमें 5 चम्मच जितना ऑयल डाला है। अच्छे से मिक्स कर लें। मोयन जैसा हमेशा हम लोग खस्ता कचौरियां बनाते हैं उसी तरीके का चाहिए जैसे मठरी का होता है। आप मिक्स करें ऑयल को पहले अच्छे से, और उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, जब बंधने लग जाता है ना, वो पूरा समेटने लग जाता है, फिर समझ जाओ कि हाँ मोयन सही है। यदि कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। और अब पानी डाल करके, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा टाइट सा डो तैयार कर रहे हैं। कचौरियों के लिए, मठरी के लिए, गुजिया के लिए, कोई भी स्टफिंग करना है, पराठे के लिए, अगर आप पहले से आटा गूंथ के रख देते हैं फिर आप बाद में तब तक तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग की, तो जो डो है वो अच्छा सेट हो जाता है, फिर उसकी पूरी पराठे, कचौरियां, मठरी सब बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने गूंथ लिया है, साइड में रखा है, और ये है गिट्स का मील मिक्स बंगाली कचौरी। इतना टेस्टी है ये मसाला जो कचौरी का है, इसमें आपको कोई झंझट नहीं करनी है, ना दाल को भिगोना है, ना पीसना है, कुछ नहीं करना है। अचानक से भी कोई गेस्ट आए, या पहले से भी सोच के रखो कि हमें अपने गेस्ट को ये खिलाना है, एक बार बनाकर खाएंगे ना सब बहुत तारीफ करेंगे, हमने तो बनाया, सबको बहुत पसंद आया हमारी फैमिली में, और अगली बार भी मैं इसको जरूर बनाऊंगी। इसके लिए ये जो मिक्स है, ये 100 ग्राम का पैकेट है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है और करीब 1/2 कप पानी मिक्स किया है। पानी इस पूरे पैकेट में 200 ml मिक्स किया है, कप बड़ा हो या छोटा, पर 200 ml इस एक पैक में पानी में मिक्स करके इसको हमने रख दिया है, और 20 मिनट के लिए इसे हमें ढक करके रखना है। हमारा आटा भी सेट हो रहा है और 20 मिनट के लिए हमें ये मिक्स को भी रखना है साइड में, तो हमने साइड में रख लिया।
अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है क्योंकि हमने जो दही वड़े का मिक्स अभी घोल के रखा था उसके लिए 10 मिनट का टाइम हो चुका, जब तक हमने आटा गूथा है और अभी हमने मिक्स तैयार किया है कचौरी का, तो इसका 10 मिनट हो चुका है। अब हम दही वड़े बना रहे हैं। कितना बढ़िया है ना, तो दाल भिगोना है ना पीसना है ना ही कोई ऐसी झंझट है। प्रिपरेशन टाइम केवल 25 मिनट होता है दही वड़े के लिए, और एक लेंदी प्रोसेस भी नहीं करना है कि भिगो दाल को पीसो पूरी रात भिगो के रखो फिर ये मतलब झंझट होती है ना उसमें, इसमें क्या इंस्टेंट बन जाता है। एकदम ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन दही वड़ा सच में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, और देखने में भी आपको लगेगा जैसे टीवी वगैरह में नहीं दिखाते हैं, कोई एड हो रहा होता है और इतने सुंदर से दिखते हैं टेम्पिटिंग से दही वड़े, तो हम सोचते हैं अक्सर हमारा वो कलर क्यों नहीं आता है, इतने क्रिस्पी बाहर से इतने सॉफ्ट अंदर से, और टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही टेस्ट, मतलब बहुत अच्छा वाला फील होता है कि मार्केट जैसे वो वाली चीज है। और ये 500 ग्राम का पैकेट है और 3 इजी स्टेप्स में ये दही वड़े बन जाते हैं। इसमें जो उड़द की दाल है वो हाई क्वालिटी उड़द की दाल है, और जो भी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें भी एक अलग सा टेस्ट है, इसीलिए शायद क्योंकि इसमें जो और भी इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए ना, आप एक बार खाएंगे तब शायद फील होगा कि मैं कितनी बार दही वड़े बनाती हूँ, रेसिपी भी शेयर करती हूँ। उड़द की दाल लाते हैं, भिगोते हैं, पीसते हैं, और भी जतन कर चुके हैं, उसमें मूंग की दाल भी मिक्स कर चुके हैं, कभी चने की दाल मिक्स करके बना चुके हैं, लेकिन आज जो दही वड़े खाए ना सबने एकदम वाव वाव कर दिया, और फूले इतने बढ़िया गोल गोल, जैसे हम तो हमेशा ही ऐसे ड्रॉप करते हैं हाथों से, मुझे अच्छा लगता है आदत में भी, और मुझे पसंद ऐसे ही ड्रॉप करना हाथों से, पर आज जो ये एकदम से फूल करके और जो पूरा फ्राई करने के बाद गोल गोल आए हैं, अलग ही है, कलर भी बिल्कुल अलग ही और शेप बहुत अच्छा सा, वो गोल गोल वाला सर्व करने में मजा आया था ऐसे ना भीग के, और डबल साइज हो जाते हैं पानी में डाल करके। तो इस तरीके से मैंने हाथों से ही ड्रॉप किया, कढ़ाई पे डीप फ्राई किया है दही वड़ों को, और प्लेट में साइड में निकालती जा रही हूँ। आंच को पहले तेज था लेकिन फिर बाद में मैंने धीमा किया, मीडियम रखे आंच जिससे अंदर तक अच्छे से पक जाएगा वो, नहीं तो अंदर तक कच्चा कच्चा सा ना रहे, बाहर से फ्राई हो जाएगा, इस बात का तो आपको ख्याल रखना ही है। तो बस अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है और ये निकल जाते हैं। एक पैकेट में 25 बॉल्स आप बना सकते हैं मीडियम साइज के, आप बाकी बड़े करें या और छोटे करें वो आपकी च्वाइस है। बन गए बड़े सुंदर, और ये हमने लिया एक बाउल में पानी, नॉर्मल पानी है, और इसमें डाल करके साइड में, तो 10 मिनट के लिए तो करीब हमें इसे रखना ही है। 10 मिनट के लिए हमने यहाँ प्लेट ढक करके रखा, दही बड़े आराम से 10 मिनट के लिए पानी में भीगते रहेंगे। अब हम दूसरे काम में चलते हैं। तो जो हमने कचौरी का मसाला भी भिगो के रखा था, कचौरी मिक्स, उसे हमें भूनना है। तो मैंने 2 चम्मच तेल एक पैन में लिया है, और जो हमने मिक्स करके रखा था उसे हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल में, और इसे हम भूनेंगे। आप किसी भी नॉनस्टिक बर्तन में इसे भून सकते हैं या किसी भी हैवी बॉटम के बर्तन में, कढ़ाई पैन में, किसी में भी। 2 चम्मच तेल की जरूरत है। चीनी हमने सिर्फ पीसी हुई 1 चम्मच चीनी डाली थी और हमने कुछ नहीं डाला, और इस मसाले में गजब का टेस्ट है यार, गजब का टेस्ट, बहुत ही बढ़िया। कचौरियां भी तो मैं कितना बनाती खाती हूँ, हमारी फैमिली तो मतलब चाट कचौरी इन सब चीजों की बड़ी शौकीन है। बहुत सारी कचौरी के हम मसाले भी टेस्ट कर चुके हैं, जैसे मूंग दाल कचौरी, उड़द दाल कचौरी, बेसन की कचौरी, प्याज की कचौरी, और मसाले वसाले डाल के थोड़ा महाराष्ट्रियन टच लेकर के, तो कभी नॉर्थ वाला टच करके। इसमें कुछ अलग ही मसाले हैं, उनकी जो खुशबू और टेस्ट है ना वाकई बहुत अच्छा है। तो ये आज बहुत पसंद आया हम लोगों को। अब जो हमने ये डो तैयार करके रखा था बहुत बढ़िया अच्छा सेट हो चुका है जितनी देर मैंने वड़े तले। अब बॉल्स बना लेनी है, और बॉल्स बनाने के बाद उसमें बढ़िया अच्छे से ये जो पेड़े बनाए हैं ना मसाले के, इसको हमें स्टफ करना है। इस 100 ग्राम गिट्स मिक्स मील में कचौरी मले पैकेट में 30 बॉल्स बना सकते हो आप, इक्वल साइज की 30 बॉल्स कचौरी मिक्स का, फिर आपकी 30 कचौरी बन सकती है। लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप थोड़ा बड़ा साइज लेते हैं तो क्वांटिटी मतलब फिर 30 से कम हो जाएंगी। यदि आप बिल्कुल इक्वल शेप 30 कर लो, उसके हिसाब से बॉल्स बना करके कचौरियां बनाओ, 30 बन जाएंगी। और दूसरी जो बहुत मजेदार, जो मेरी खुशी की बात, मैंने जितनी भी कचौरियां बनाई वो इतना बढ़िया फूली हैं, बहुत मेरी
पहली कचौरी है ये जो मैंने अभी डाली है वीडियो क्लिप में, और लास्ट तक जो भी मैं जितनी मैंने फ्राई की मेरी सारी कचौरियां फूली हैं। बहुत खुशी हो रही थी मुझे, मतलब कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है कि ऐसे प्रेस करो वैसे प्रेस करो या ऐसे बेलो, बस मैं बेल रही हूँ। और हाँ, मैंने थोड़ा बड़ा साइज रखा है, वैसे आप इससे छोटा साइज बनाएंगे, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी कचौरियां, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी, जैसे समोसे बनते छोटे छोटे से वैसे कचौरियां, तो वो 30 कचौरियां बनेंगी और देखने में भी प्यारी लगेंगी। मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अब हम लोगों को तो देखो ना, वो बड़ी बड़ी कचौरी महाराष्ट्र में भुसावल में यहाँ पर इसी साइज की मिलती है ना, और हरी मिर्ची फ्राई करके खाते हैं, तो वही कचौरियों का दिमाग में बेहतर कचौरी बड़ी बड़ी खाओ दो कि बस हाँ पेट भर जाए वैसा। और साथ में मैंने हरी मिर्ची भी फ्राई की है, ये ऑप्शनल है, अगर आप हरी मिर्ची फ्राई खाते हैं तो बनाएं। हमारे यहाँ तो मतलब हम लोग को आदत ही लग गई है यहाँ पर हरी मिर्ची खाने की ना, वड़ा पाव के साथ भी हरी मिर्ची, तो कचौरी के साथ भी, समोसे के साथ भी, यहाँ तक कि हाँ। तो मैंने फ्राई की है और हरी चटनी तो है ही, तो ये जो बंगाली कचौरी इसका मसाला माइंड ब्लोइंग है, औसम, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। और दही वड़े, तो आज हमारी तो पार्टी है, हमारे घर तो पार्टी हो रही है, दही वड़ा और कचौरी। अब कचौरियां साइड में की, तो जैसे ही मैंने हाथ डाला वड़ों पे, यार इतने रुई जैसे सॉफ्ट है ना वड़े कि पूछो ही मत। मुझे वो पहले वाला याद था जैसे दाल वाले हम लोग करते हैं, कस के ताकत लगा के हथेली ने छोड़ दिया ना, ये तो बहुत ही मतलब नाजुक नाजुक जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे थे। और इनके ऊपर ये मीठी मीठी दही डालना है, तो मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, मुंह में तो पानी आ ही रहा था जैसे जैसे लगा रहे हैं, और मैंने बता दिया घर में कि अब आ रहा है भाई टेबल पर, सब रेडी हो जाओ। चटनी तो हमारी इतनी बढ़िया है, इमली खजूर और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे मैंने, बाकी सौंठ जीरा सब मसाले हैं, बहुत ही बढ़िया चटनी है। तो ये चटनी बनी रखी रहती ना फ्रिज में तो बहुत आराम रहता। अभी हमारे एक दिन और चाट पार्टी होने वाली है जिसमें हम टिक्की वगैरह भी बनाएंगे, पानी पूरी भी। और मैंने धनिया पत्ता कटा हुआ डाला है, चटनी डाली है, इसके बाद हरी चटनी मीठी चटनी, पिंक सॉल्ट डाला है, भुने जीरे और सौंफ वाला पाउडर भी ऊपर से डाला है क्योंकि वो दही में अच्छा लगता है टेस्ट इस जीरे का, क्योंकि वड़े तो हमारे प्लेन थे, बाकी सब चीजें हम ऊपर से ही मसाले डालते हैं कम ज्यादा, और लाल मिर्ची पाउडर। और अगर अनार घर में हो तो जरूर डालना, ऊपर से अनार के दाने डाल करके ये भी बहुत टेस्टी लगता है। अभी अंगूर रखे लेकिन अनार नहीं है, और अंगूर तो इसमें अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए मैंने सब करते समय नहीं डाला है, बट आप अगर हैं तो डालना। और ये कचौरी की ट्रे तैयार है, और यहाँ पर दही वड़े मैंने प्लेटिंग कर ली है क्योंकि फिर ईजी रहेगा खाने में, मुझे सारी चटनी वगैरह डालनी थी। वैसे आप कभी गेस्ट आए तो किसी भी आप एक बोल में सारा डाल करके अच्छे से मिक्स करके रख सकते हैं, फिर जितना जैसे खाना है तो लेके खा सकते हैं। और हमारे यहाँ जब भी कभी ऐसी चीजें बनती हैं तो आपको पता ही है फिर ये हमारे यहाँ डिनर ही होता है कि फिर जम के खाओ, एक बार खाओ फिर 15 दिन तक नाम मत लो, वो वाली चीज रहती है, अच्छे से खाओ। और शौकीन भी हैं सब, सब खाते हैं, इसमें नहीं गुप्ता जी कहेंगे रोटी ना, पूछ भी लो तो भी नहीं, अरे नहीं नहीं ये सबको पसंद है, शुभम को भी, और बढ़िया फूली फूली कर। तो अब टाइम से सब काम हो गया, सबका खाना हो गया, सबने तारीफ कर करके खाया है भाई, और अब यहाँ बर्तनों की हो गई धुलाई। एक्चुअली जब मैं जा रही थी तो मैंने इनको बोला था कि पुदीना ले आइएगा, कच्ची कैरी मिर्ची वगैरह, इसलिए मैंने उस वक्त बोला था जाते वक्त कि जो सोचा है वो बनेगा कि नहीं, क्योंकि बनाना तो था, जब पुदीना आएगा तभी चटनी बनाऊंगी मैं, ऐसा था मेरे मन में। और जब मैं वापस आई तो पुदीना और ये सब चीजें आ चुकी थी, सामान घर में आ चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि अब बनाते हैं, वरना बनाना कुछ और था, बन कुछ और जाता जैसा कभी कभी होता है, पर हमारी प्लानिंग के मुताबिक ही हुआ। और वो अगले की दुनिया क्या टॉपिक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब इसमें जो टॉपिक उठाते हैं ना वागले में, जो हमारे समाज में है सच्चाइयां जुड़ी हुई, वो चीज है, कितने अत्याचार होते हैं, मतलब शादी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर अच्छी शादी नहीं हुई अच्छे घर में तो लड़कियों के लिए नरक के दरवाजे खुले रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।